गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ विद रीना आइजा में आपका बहुत सारा वेलकम है। तो आज की वीडियो जो है ना वो स्पेशली ईद से रिलेटेड होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है ईद बहुत ही करीब है, 13 to 14 रोजे गुजर चुके हैं और 15 दिनों बाद जो है ना वो ईद आ रही है। तो इस टाइम जो है ना सब लोग इबादत के साथ साथ ये भी चाह रहे होते हैं कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखे, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखे, वाइट दिखे, ब्राइट दिखे और साथ ही साथ ग्लास स्किन इफेक्ट आए उनकी स्किन से। अब आप लोग सोच रहे होंगे ग्लास स्किन इफेक्ट होता क्या है। बेसिकली जब आप नॉर्मली एक ग्लास को देखते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है, इसी तरह जब हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, उस पर ग्लो आती है तो हमारी स्किन भी रिफ्लेक्ट करती है, बहुत अच्छे तरीके से ग्लो करती है। तो आज की रेमेडी से मैं आप लोगों को आपकी स्किन ग्लास स्किन बनाने का चैलेंज कर सकती हूँ। जो ये रेमेडी 7 डेज तक यूज़ करेगा उसकी स्किन जो है ना मैं 100% चैलेंज कर सकती हूँ कि ग्लास स्किन हो जाएगी। इस रेमेडी के बेसिकली 3 स्टेप होंगे। इन 3 स्टेप को अगर आप लोग डेली बेसिस पर फॉलो करेंगे तो आप लोग खुद अपनी स्किन में जो है ना 1 वीक के अंदर एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले स्टेप में हमें करना यह है कि हमें चाहिए रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध, जो कि बॉयल नहीं हो, वो वाला मिल्क आप लोगों ने ले लेना है। साथ आपने कोई भी कॉटन या टिश्यू ले लेने हैं। उसके बाद जो है ना आपने इससे अपने स्किन को अच्छे तरीके से क्लेंस कर लेना है। इसकी एक बॉल सी बना लेनी है, टिश्यू को रोल करके, ये देख सकते हैं आप लोग टिश्यू ने मिल्क को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो है ना इससे हम जो है ना अपनी स्किन की क्लेंजिंग करते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक जो है ना अपनी स्किन पर इस तरह सर्कुलर मोशन में रब करते रहना है। बार बार आप जो है ना इसको मिल्क को लेंगे, रॉ मिल्क को, और इससे इसकी क्लेंजिंग करेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो दूध होगा ना वो कच्चा होना ज़रूरी है। इससे जितने भी आपकी स्किन पर डर्ट होंगे, जितने भी डर्ट होगी ना आपकी स्किन पर, वो सारी जो है ना टिश्यू की हेल्प से या कॉटन की हेल्प से आपके फेस से रिमूव हो जाएगी। आप नॉर्मली फेस वॉश भी करते हैं, उससे भी इतनी अच्छे तरीके से रिमूव नहीं होती जितने के रॉ मिल्क के इससे हो जाएगी। अब मैं 5 मिनट तक इसकी अच्छे से क्लेंजिंग करती हूँ। 5 मिनट तक मैंने अच्छे से क्लेंजिंग कर लिया, ये देख सकते हैं मेरी स्किन कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। डर्ट भी दिखा देती हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप, टिश्यू पे जो है ना वो डर्ट भी आ गई है। ऐसे ही नॉर्मली जो है ना फेस वॉश से भी इतनी अच्छे तरीके से डर्ट आपके फेस की रिमूव नहीं होगी जितनी अच्छे तरीके से ये रॉ मिल्क से हो जाएगी। तो नंबर 1 स्टेप जो है ना वो हमारा डन हो चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें मैं आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि स्किन पॉलिश की होने वाली है, वो भी नेचुरली। आप होममेड स्किन पॉलिश कैसे बना सकते हैं और उसके रिजल्ट्स कितने ज़्यादा अमेजिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 2nd स्टेप को। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्लीन बॉल, साथ हमें चाहिए ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, आप लोगों ने बेसन ले लेना है। फिर हमें चाहिए इसके अंदर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है ना आपने कुकिंग वाला यूज़ करना है, जो कि आपके खानों में यूज़ होता है। इससे जो है ना आपकी स्किन पर कोई भी डैमेज नहीं होगा क्योंकि ये आप खानों में यूज़ करते हैं। चीज़ हमें चाहिए एलोवेरा जेल। सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि 1 बड़ा चम्मच भर के आप लोगों ने बेसन का ऐड कर देना है क्लीन बॉल के अंदर। बेसन मैंने ऐड कर दिया, अब इसके अंदर जो है ना मैं बेकिंग पाउडर जो है ना वो 1/2 टेबल स्पून ऐड करूंगी। मैं इसके अंदर ऐड करूंगी एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून। लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हल्दी का 1 पिंच, ये आप देख सकते हैं। चीजों को जो है ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी, अपनी स्किन पॉलिश के मिक्सचर को अच्छे से बना लूंगी। मिक्सचर को आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी नॉर्मल करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रॉ मिल्क। आप लोगों ने इतना ऐड करना है जितने में इसकी कंसिस्टेंसी ना ही बहुत ज़्यादा रनी हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो, नॉर्मल कंसिस्टेंसी में ये पैक आपका रेडी हो जाए। पर जो है ना हमारी ये स्किन पॉलिश रेडी हो चुकी है। जब ये आप अप्लाई करेंगे तो आपने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक अपने फेस पर लगा रहने देना है। 15 मिनट के बाद जो है ना आपने इसकी अच्छे तरीके से मसाज करके इसको अपनी स्किन से रिमूव करना है। ये आप लोगों ने 7 डेज तक यूज़ करना है, उसके बाद आप खुद देखेंगे आपकी स्किन जो है ना कितने अच्छे तरीके से ग्लो करेगी, ब्राइट होगी और ये बहुत ही अच्छा जो है ना ऑर्गेनिक स्किन पॉलिश का काम करेगा आपकी स्किन के ऊपर।
मैंने पहले आपको जो है ना क्लेंजिंग का मेथड बता दिया, फिर स्किन पॉलिश का बता दिया, अब जो थर्ड पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेस पैक। ये कंप्लीट पैकेज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अब थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा फेस पैक। फेस पैक के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी। आप लोगों ने कोई भी कॉस्मेटिक की शॉप से मुल्तानी मिट्टी का पैकेट ले लेना है या बॉटल ले लेना है। हमने इसके अंदर जो है ना ग्राम फ्लोर ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून। तो हमने इस पॉइंट पर इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा पिंच कस्तूरी हल्दी का। कभी मिक्सचर अगेन हम रॉ मिल्क के साथ ही बनाएंगे। यहाँ पर हमारा ये वाला फेस पैक भी रेडी हो चुका है, मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। इसके जो है ना आपको बेतहाशा बेनिफिट्स मिलेंगे इस फेस पैक के। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसके आपको बेतहाशा बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक तो फ्रेश हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी स्किन जो है ना वो ग्लास स्किन बन जाएगी। अगर आप ये जो है ना 1 वीक तक ये तीनों स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो ये किसी फेशियल से कम नहीं है। और ईद तक आपका फेस ना इतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा कि आपकी सोच आए। ये देख सकते हैं, मैं अपने हैंड्स पर भी यही अप्लाई कर लेती हूँ, मेरे हैंड्स भी कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप लोग भी अगर इसको इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपको भी बेतहाशा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। आपकी स्किन पर जो इसके रिजल्ट्स होंगे ना, वो क्लियरली शो होंगे। और आप लोगों ने करना ये है कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो लोग ये वाला फेस पैक सेकेंड वाला, ये जो मैंने बेसन का बनाया था, इसको आप लोगों ने अल्टरनेट डेज पर यूज़ करना है। और इसको आपने 7 डेज तक डेली यूज़ करना है। जिन लोगों की स्किन नॉर्मल है, वो लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पर, तीनों स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। उन लोगों ने अल्टरनेट डेज पर इस वाले फेस पैक को यूज़ करना है जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। यही थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर आप दोनों ये मास्क और क्लेंजिंग अपने फेस की डेली बेसिस पर करेंगे तो आप लोग खुद इतना मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे कि आप लोगों ने खुद मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है अपना रिजल्ट्स। फीडबैक जो है ना आपने कमेंट सेक्शन में दे देने हैं। यही थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको पसंद आई होगी। आप लोगों ने बस रखना इस चीज़ का ख्याल है कि आप लोगों ने नाइट टाइम पर ये सारे मास्क अप्लाई करने हैं अपने फेस पर, ताकि आप लोग जो है ना रिलैक्स होकर ये अप्लाई कर सकें। किसी चीज़ की भी आपको टेंशन ना हो, ना कुकिंग की, ना किसी भी चीज़ की। सुकून से जिस टाइम पर हो ना आपके पास, रात का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा सुकून में होता है, आपने उस टाइम पर ये मास्क अप्लाई करने हैं। यही थी आज की वीडियो, आई होप सो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ शेयर कर दें। ईद आने वाली है, जल्दी जल्दी से ये रेमेडी शेयर करें ताकि सब लोग जो है ना इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें और सबकी स्किन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ग्लोइंग, ब्राइट और साथ ही साथ क्लियर, स्पॉटलेस हो जाए। जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं स्किन पर, वो भी सारे रिमूव हो जाएंगे इससे। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।